हेलो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन पढ़ रहे थे हम, और फंक्शन में हमने अभी बहुत कम पढ़ा है। अभी हमने बहुत बेसिक बातें की हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस में केवल पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और डिफरेंट टाइप्स में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, GIF और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये सारी बातें आज ही कंप्लीट करेंगे और साथ साथ इनके डोमेन के क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत मजा आएगा आपको आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि पॉलिनोमियल फंक्शन तक मैंने पढ़ा था, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में बेटा खास बात क्या थी जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर पॉलिनोमियल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसकी फिर रेंज क्या होगी। अगर डोमेन आर है, रियल नंबर्स का सेट है, तो रेंज भी फिर ऑल रियल नंबर्स होगी। मतलब अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वैल्यूज डाल रहा हूं एक्स की, तो वाई जो मिलेगा, आउटपुट जो मिलेंगे, वो भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मिलेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और मैंने बताया था आपको कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल में अगर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स डालूंगा तो y की वैल्यूज ऑल रियल वैल्यूज नहीं मिलेंगी, मतलब एक सबसेट मिलेगा रियल नंबर्स का, मतलब कंप्लीट रियल नंबर कभी नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल पैराबोला आपने पढ़ा है, तो ये बातें मैंने की थी पॉलिनोमियल से रिलेटेड। और देखिए पॉलिनोमियल के ग्राफ, तो ग्राफ में लीनियर तो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्वाड्रेटिक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी जो ग्राफ्स हैं वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हम क्योंकि पॉलिनोमियल्स तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई एक ही तरीका होगा ग्राफ बनाने का। अलग अलग डिग्री का पॉलिनोमियल अलग अलग तरीके होंगे, थोड़ा मोनोटोनोसिटी और थोड़ी सी और भी बातें इसमें करनी पड़ेंगी। चलिए तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन क्या है? माइक कौन है तुम्हारा प्रशांत? चलिए तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फटाफट देखिए, बहुत आसान है, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको ये बता रहा हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक्सपोनेंशियल के बारे में और लॉग के बारे में बातें की थी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ये सेकंड हो गया टाइप एक तरीके से फंक्शंस का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा है कि एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट की पार वेरिएबल को आप क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें ए क्या है, पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, और ए का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, वन, ये भी आपको पता है। और जब आप पॉजिटिव कांस्टेंट की पार वेरिएबल मतलब कुछ भी रखोगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो भी आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो आने वाली है वो भी क्या मिलेगी, ग्रेटर देन जीरो, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो ये बात इसमें बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है कि ए की पार एक्स का वैल्यू हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो क्या बोल सकते हैं, देखिए अब मैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा रहा हूं, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है, डोमेन क्या होता है, डोमेन के लिए कंडीशन क्या है, रेंज क्या होती है, ग्राफ कैसा होता है, और या फिर कोई एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो भी साथ साथ देखते चलेंगे। तो देखिए बात करें इसकी, तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। डोमेन इसका मैंने बताई दिया, डोमेन क्या है, एक्स के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यूज डालो, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन इसका आर होगा। और रेंज मैंने बताई दी आपको कि रेंज मतलब आउटपुट हमेशा कैसा मिलेगा, ये मिलेगा जीरो से ग्रेटर वैल्यूज, मतलब जीरो से इंफिनिटी। चलिए ग्राफ की बात करते हैं, देखिए इसमें भी बेटा दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है कि अगर ए का वैल्यू जीरो और वन के बीच में है, और सेकेंड कैटेगरी क्या होती है कि जब ए का वैल्यू वन से ग्रेटर होता है। तो जब a 0 1 के बीच में है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1 बाय 2 की पार x, तो इसका ग्राफ कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लगभग सभी बच्चे जानते हैं, सभी ने 11th में पढ़ा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, जब a 0 1 के बीच में होता है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। मतलब 0 पर 1 देगा, ये सभी बच्चे जानते हैं, अगर x को मैं 0 रखूंगा तो a टू द पावर 0 1 होगा, चाहे a कुछ भी हो, x0 y1। और इसमें क्या है, जब a 1 से छोटा है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 बाय 2 की पार x, तो इसमें क्या है, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करूंगा आप देख लीजिए y डिक्रीज होगा,
और डिक्रीज होते होते जब x इंफिनिटी जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी। ये सभी बच्चे जानते हैं कि a की पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या आती है, या तो इंफिनिटी आती है या जीरो या वन। इंफिनिटी कब होती है, जब a 1 से बड़ा होता है, जीरो कब, जब a 1 से छोटा होता है, और जब a एग्जैक्टली 1 होता है तो वैल्यू 1 होती है। तो जब मैं यहाँ इंफिनिटी रखूंगा तो 2 की पावर इंफिनिटी मतलब वेरी लार्ज क्वांटिटी, 1 अपॉन वेरी लार्ज तो टेंडिंग टू जीरो, तो इसीलिए ऐसे गया। और जब x माइनस इंफिनिटी रखूंगा तो ये बन जाएगा ऊपर आके 2 की पावर इंफिनिटी प्लस में, तो वैल्यू क्या देगा, वेरी लार्ज। तो ये इसका ग्राफ होता है। और ग्राफ ऐसे क्यों होता है, इस स्टाइल में क्यों होता है, ये आपको पता है क्योंकि इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए ये सभी बच्चे जान लें कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का, वो अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ये आपको 11th में ही बता दिया था। और अगर ये नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। सभी बच्चे समझ रहे, डिक्रीजिंग मतलब एक्स बढ़ने पर वाई डिक्रीज करेगा। और जब डबल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन अगर कैसा है, पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड का मतलब क्या है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। कॉनकेव अपवर्ड का मतलब है सपोज ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और कॉनकेव अपवर्ड, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ऐसे इंक्रीज करेगा, फिर ये वाला स्टाइल रहेगा इंक्रीज करने का, मतलब स्लोप बढ़ रहा होता है। और जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो ऐसे बढ़ेगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो कॉनकेव अपवर्ड में मतलब फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने में ऐसे डिक्रीज करेगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने में इस तरीके से। तो इसका डबल डेरिवेटिव आप कर लेना, मैं करा चुका हूं इसको 11th में, तो ये बनेगा इस तरीके से कॉनकेव अपवर्ड स्टाइल में डिक्रीज होता हुआ ग्राफ। चलिए ये पॉइंट याद रखना, 0, 1 और 1 से छोटी वैल्यूज होंगी अगर x पॉजिटिव होगा। दूसरा, a जब 1 से ग्रेटर होता है, एग्जांपल ले लेते हैं 2 की पावर x, तो आप समझ गए इसमें उल्टा होगा। जब आप 2 की पावर x में x इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है जब a 1 से ग्रेटर है, तो ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग होता है, ये बहुत अच्छे से याद रखना आप। तो एक्सपोनेंशियल की कहानी तो इतनी है, अभी आपको बस ये समझना है कि डोमेन क्या है, कुछ भी रखो। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है इसकी वो ये है कि ये हमेशा 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 कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा। जब कभी हम डोमेन के क्वेश्चंस करेंगे, कहीं भी एक्सपोनेंशियल लिखा होगा तो हम पहले से ही क्लियर होंगे कि एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए ये एक्सपोनेंशियल कैसे कैसी वैल्यूज देगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये एक्सपोनेंशियल के बारे में इतनी बात अभी जानना, केवल इतनी बात जरूरी है, बाकी बात हम करते रहेंगे जैसे जैसे आगे यूज होता रहेगा फंक्शंस का। चलिए अभी मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि ये फंक्शन इवन है, ऑड है, पीरियोडिक है, ये सब बातें अभी मैंने नहीं की है। अभी तो मैं फंक्शन का एक्सप्रेशन कैसा है, डोमेन क्या होगा, आउटपुट्स कैसे मिलेंगे, ग्राफ कैसा बनेगा, ये बातें कर रहे हैं। चलिए तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के बाद क्या आता, देखिए इसी का इनवर्स फंक्शन होता है लॉग, इसके बारे में बात करते हैं। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक फंक्शन और उसके इनवर्स के ग्राफ में क्या रिलेशन होता है। थर्ड टाइप लॉग फंक्शन, देखिए लॉग फंक्शन भी कुछ अलग नहीं है, एक्सपोनेंशियल का ही दूसरा फॉर्म लॉग होता है। आपने पढ़ा है कि देखिए अगर कहीं पे लिखा है a टू द पावर n इज इक्वल टू x, तो आप इसी को लिख देते हैं ऐसे कि n इज इक्वल टू लॉग ऑफ x एट द बेस a। ये आप सभी समझते हैं, मैं एक बार फिर भी एग्जांपल बता देता हूँ कि देखिए इसकी लॉग जो बना वो एक्सपोनेंशियल को कंप्लीट करने के लिए बना। मतलब जैसे अगर आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे इस टाइप की, तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं x इज इक्वल टू 2। अगर आपको दे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8, तो आप बोलेंगे x इज इक्वल टू -3। बट ऐसी वैल्यू अगर देता है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5, जो 2 की पावर में आती नहीं है कोई इंटीजर पावर में, तो क्या होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इनवैलिड है, इसका कोई ना कोई x तो होगा, और वैसे भी क्लियर हो रहा है 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, लेकिन क्या होगा एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखने का तरीका सीख लेते हैं। तो लिखने का तरीका क्या, पहले इसको लिख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। आंसर जो भी आएगा वो बाद में देखेंगे, वो लॉग टेबल से देखना होता है।
तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं x इज इक्वल टू ये x r इज इक्वल टू log ऑफ 5 एट द बेस 2, इसको बोलते हैं log का बेस। तो log सबसे पहले बस इतना ही समझिए आपकी log एक्सपोनेंशियल का दूसरा फॉर्म, अनदर फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो जैसे ये लिखा है तो बेटा क्या लिखेंगे इस, तो इसमें जो इनपुट था n वो क्या बन गया log का आउटपुट, और जो आउटपुट x था वो क्या बन गया इनपुट, और ये a क्या होता बेस। a को बोलते हैं log का बेस और x को क्या बोलते हैं log का नंबर या एम्पलीट्यूड। चलिए तो इसको log बोलते हैं। तो मैं एक दो लिख के दिखा देता हूं, जैसे ये लिखा हुआ तो ये लिख दिया, तो यहां भी मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं x इज इक्वल टू log ऑफ 4 एट द बेस 2। इसकी वैल्यू हमें पता है 2 है, इसके लिए log की प्रॉपर्टीज भी मैंने बताई थी, वो आपको पता होंगे, एक बार रिपीट भी करेंगे उनको। चलिए तो n इज इक्वल टू log x एट द बेस है, तो आप समझिए इसमें a क्या था, वही तो a यहां पर आया। तो log को डिफाइन करने के लिए, फॉर डेफिनेशन ऑफ log या डोमेन फाइंड करने के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता देता हूं। फॉर डेफिनेशन ऑफ log, log की डेफिनेशन के लिए कंडीशन क्या है, a कैसा होना चाहिए, a वही a है जो एक्सपोनेंशियल में मैंने लिखा था, a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा देखिए x क्या था इसमें, a की पावर n का वैल्यू मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। तो इसकी वैल्यू क्या थी, a की पावर n की पॉजिटिव, मतलब x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो जो नंबर होगा या एम्पलीट्यूड होगा वो भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो लॉग में जब डोमेन की बात करेंगे तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉग के जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसमें ये वाली बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने सीखा कि लॉग का डोमेन हम कैसे लिखेंगे, लॉग होता क्या है एक्सपोनेंशियल का दूसरा फॉर्म होता है, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो बेटा ये इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल होता है। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जो इनपुट्स है वो आउटपुट्स बन जाते हैं, जो आउटपुट्स है वो इनपुट्स बन जाते हैं, मतलब जो x की वैल्यूज है वो y एक्सिस पे चली गई, जो y की वैल्यूज है x एक्सिस पे चली गई। सभी बच्चे स्ट्रेट लाइन में सभी ने पढ़ा था कि जब x और y इंटरचेंज होते हैं तो ऐसा कब होता है बेटा, जब हम किसी पॉइंट की y इज इक्वल टू x के अबाउट इमेज लेते हैं। तो ऐसा आपने पढ़ा था कि ये y इज इक्वल टू x है, और अगर मैं किसी पॉइंट की y इज इक्वल टू x में इमेज लेता हूं, जैसे पॉइंट है 2,1, तो इसकी इमेज क्या आती है 1,2, और यहां तो बेटा सभी पॉइंट इसके इमेज होंगी y इज इक्वल टू x पे, इसके सारे पॉइंट्स की। आप सोचो ना, अगर इसमें मैं रखता हूं कोई पॉइंट, सपोज मैं वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने रखा 1 और आंसर मिला 2, तो इसमें क्या मिलेगा, 2 रखने पे 1 मिलेगा, तो इसका मतलब इसके सारे पॉइंट्स की y इज इक्वल टू x में इमेज ही तो होंगे। तो इसका मतलब अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं इसका ग्राफ बनाऊं मेन फंक्शन का, और उसके इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करके उसके अबाउट कंप्लीट ग्राफ की इमेज ले लूं। तो मैं ऐसे ही करने जा रहा हूं, log फंक्शन का ग्राफ मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखिए देखिए सबसे पहला मैं एक्सपोनेंशियल लेता हूं जिसका बेस 1 से छोटा है, या बेस 1 से ग्रेटर वाला पहले लेते हैं, वो आसान है। ये ग्राफ किसका है, a टू द पावर x का, जब a 1 से ग्रेटर है। ये मैंने लाइन ड्रॉ की बेटा y इज इक्वल टू x, और मैंने क्या किया इसका इमेज इस लाइन के अबाउट ले लिया। इमेज कैसे लेंगे, ये पॉइंट क्या था 0,1, अभी बच्चे जानते हैं इसका इमेज क्या होगा 1,0 होगा, ये पॉइंट 1,0 होगा। अब इसकी इमेज लेनी है तो देखिए ये इस लाइन के अबाउट इस तरीके से दूर जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा ऐसे दूर जाएगा इसकी इमेज। आप सोचो इमेज क्या होगी, ऐसे होगी। बहुत अच्छा आपको दिख भी रहा होगा कि इमेज है, देखो इस वाले पोर्शन की, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जो इस एक्सपोनेंशियल का पोर्शन है, इसकी इमेज ऐसी होगी, और इसकी इमेज क्या होगी ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए एक्स जब इंफिनिटी जा रहा है तो वाई इंफिनिटी, इसमें भी जब एक्स इंफिनिटी जाएगा तो वाई इंफिनिटी, इधर क्या एक्स माइनस इंफिनिटी तो वाई टेंडिंग टू जीरो, देखिए जरा इधर एक्स इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो वाई जीरो जा रहा है, इसमें क्या होगा उल्टा होगा, जब x टेंडिंग टू जीरो होगा तो y माइनस इंफिनिटी जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा x जीरो की तरफ आएगा, y माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो बेटा ये ग्राफ किसका होता है, log का ग्राफ होता है, log x एट द बेस a का ग्राफ है, जब a 1 से
बड़ा है। इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए क्या बातें हैं इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट कि ये इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है, तो इंक्रीजिंग का मतलब आप समझ गए, इंक्रीजिंग में क्या होगा, बड़े एक्स पर बड़ी वैल्यू वाई की मिलेगी, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फटाफट देख लेते हैं, लॉग एक्स वन अगर लॉग एक्स टू से बड़ा है और बेस लॉग का क्या है, वन से ग्रेटर, उस वाले फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो एक्स वन एक्स टू से बड़ा होगा। या अगर किसी लॉग का बेटा कंपैरिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको अच्छे से सब लोग देखेंगे, लॉग एक्स को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं किसी कांस्टेंट से, मैंने टी से कंपेयर किया, तो क्या होगा, बेस वन से बड़ा है जब, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ एक्सपोनेंशियल, तो क्या होगा, ये होगा एक्स ग्रेटर देन, साइन चेंज नहीं होगा, ए की पावर टी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे लिखा हुआ है लॉग 4 एट द बेस 2, ये सबको पता है, अभी लिखा था मैंने, इसकी वैल्यू 2 होती है, तो ये बड़ा है किससे, 1 से, 1 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो मैं क्या बोलूंगा, 4 बड़ा है 2 की पावर 1 से। ठीक है, तो इस तरीके से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, अच्छे से याद रखना, जब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, जब मैं इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूं लॉग में, डोमेन वाले खासकर क्वेश्चंस में ये इनइक्वालिटी बहुत यूज होगी, तो ये दोनों बातें अच्छे से याद रखना। चलिए अब दूसरे फंक्शन पे आते हैं हम, लॉग का जो दूसरा टाइप है, दूसरे टाइप में क्या होता है, जब बेस बेटा 1 से कैसा है, 1 से छोटा है, जब बेस 1 से छोटा है तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ ये था, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ था, सभी बच्चे अभी मैंने अभी पढ़ाया है आपको। अब मैं इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, तो ये 0 1 है, तो जब ये 0 1 है और y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, इसके अबाउट इमेज लेने जा रहा हूं मैं, कैसे लूंगा, देखिए इस वाले पोर्शन की इमेज क्या होगी, यहां से ये ऐसे हटा तो ये ऐसे हटेगा, और वैसे भी देखो x जब इंफिनिटी जा रहा है तो y 0 की तरफ जा रहा है, तो उल्टा होगा इनवर्स में, लॉग फंक्शन में क्या होगा, जब x 0 आएगा तो y प्लस इंफिनिटी जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, जब x 0 की तरफ आएगा तो y प्लस इंफिनिटी जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। तो इसकी इमेज तो मैंने ये बना दी, अब इधर देखिए ये वाले पोर्शन की इमेज क्या होगी, x जब कहां जा रहा है, माइनस इंफिनिटी, तो y कहां जा रहा है, इंफिनिटी, तो उल्टा कर दो, x माइनस इंफिनिटी पे y इंफिनिटी, तो उल्टा कर दो, तो जब y x प्लस इंफिनिटी तो y क्या जाएगा, माइनस इंफिनिटी, तो जब x आगे की तरफ जाएगा तो y माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है बेटा, ये ग्राफ है लॉग का ग्राफ है, जब बेस कैसा है, 1 से स्मॉलर है, तो इसको अच्छे से आप याद रखना, इसमें बेस क्या है, 1 से स्मॉलर है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो लॉग, दो टाइप के लॉग फंक्शन हो गए, एक में बेस 1 से ग्रेटर है, तो उसका ग्राफ ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, ये वो ग्राफ है, देखिए जो क्लास में अभी मैं ग्राफ करा रहा हूँ वो आपको रटे हुए होने चाहिए, ये नहीं कि बार बार आप ड्रो करें, वो आपने देखा और आपको एकदम से प्लॉट करना चाहिए कि अच्छा लॉग है तो ऐसे जाएगा, और रफ स्केच, कोई सजाना नहीं है, कोई सुंदरता नहीं दिखानी, इसमें बहुत सिंपल आपको रफ स्केच ड्रो करना है। तो ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे हो गया, ये पॉइंट बेटा x, ये क्या था, x 0 y 1, तो यहाँ क्या होगा, x 1 y 0, मतलब log की वैल्यू 1 पे तो हमेशा 0 आएगी, चाहे ये वाला बेस है। अब इसकी बात करें तो ये कैसा होता है बेटा, बहुत आराम से दिख रहा है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग में क्या होगा कि log x 1 अगर log x 2 से बड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x 1 x 2 से छोटा, या ऐसे लिखा हुआ है कि log x 1 log x एट द बेस a t से बड़ा है तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा, x लेस देन a की पावर t। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जब log का बेस 1 से स्मॉलर होता है तो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इसको अच्छे से देख लीजिए आप, log फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल दोनों का रिलेशन भी यहीं पर देख लीजिए, ग्राफ एक दूसरे के क्या होते हैं, y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये थ्योरी वाला पार्ट जो स्टार्टिंग का है, ये जितना अच्छा आप समझेंगे उतना बेहतर है। इनके इन बातों में जो भी बेटा आपको डाउट्स आते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप पर आप जरूर क्वेश्चन पूछें कि आपको ये वाला फंक्शन समझ नहीं आया, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास से पहले बताऊंगा, या फिर आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे बात करूंगा आपसे, आपको कोई पिक्चर बना के या कोई तरीके से मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्या है, लॉग फंक्शन, बहुत अच्छे से देख लीजिए आप इसको, तो काम की बात है, लॉग इनइक्वालिटीज हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए।
अच्छा चलिए अब एक बात और करते हैं, दोनों ग्राफ को बेटा बहुत तरीके से अगर देखा जाए तो इस वाले लॉग फंक्शन में क्या है, इसमें अगर x 1 से बड़ा है, देखिए बेस तो 1 से बड़ा ही है, तो इस वाले लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, इस वाले लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब आ रही है, जब x का वैल्यू भी 1 से बड़ा है, तो बेस भी 1 से बड़ा और x भी 1 से बड़ा, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसमें देखिए जब बेस 1 से छोटा है, x जब 1 से छोटा रखूंगा तब पॉजिटिव आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है लॉग में, वो मैं यहां लिख देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बात क्या है कि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, ये तब आएगी व्हेन एक्स एंड ए बोथ लाय सेम साइड ऑफ वन, सेम साइड ऑफ वन या यूनिटी, यूनिटी मतलब वन के दोनों एक तरफ आए, या तो दोनों वन से छोटे हो तब लोग पॉजिटिव आंसर देगा, या दोनों वन से बड़े हो तब लोग पॉजिटिव आंसर देगा। ये बात समझनी है, इसके अलावा लॉग की इनइक्वालिटीज के मैंने ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। चलिए आगे चलते हैं, देखिए लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं फटाफट लिख देता हूँ आपके लिए, हालांकि यहाँ पर उतनी ज्यादा अभी यूज नहीं होंगी, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। लॉग, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री और इनइक्वालिटीज, ये बहुत ज्यादा यूज होंगी, बहुत ज्यादा यूज होगी आपके ट्वेल्थ के मैथ्स में। तो प्रॉपर्टीज क्या है देखिए लॉग की, वो फटाफट मैं एक बार लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज इलेवेंथ में सभी बच्चों ने पढ़ी है, प्रॉपर्टीज काम आएंगी, कोई डेरिवेशन काम नहीं आएगा, डेरिवेशन भी मैंने इलेवेंथ में कराए थे। लेकिन देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट है बेटा लॉग एम प्लस लॉग एन एट द बेस ए, बेस अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये लॉग एम एन हो जाएगा एट द बेस ए, तो ये प्रॉपर्टी है, बस ऑब्वियस है कि एम और एन पॉजिटिव, लॉग में बस ये ध्यान रखना कुछ भी आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बेस और एम्पलीट्यूड दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, बेस वन से ग्रेटर वन नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन एट द बेस ए, बेस सेम होना चाहिए तभी प्रॉपर्टी लगेंगी, बेस सेम नहीं है तो बनाना पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड है कि लॉग एम टू द पावर एन एट द बेस ए, ऐसे लिखा हुआ है तो एन लॉग एम जो पार है एम्पलीट्यूड की वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि लॉग एम एट द बेस ए टू द पावर एन, अगर बेस की पार है तो वो बेटा कहां पर आएगी, डिवीजन में, वन अपॉन एन लॉग एम एट द बेस ए, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए टू द पावर लॉग एक्स एट द बेस ए, अगर एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों एक साथ हैं तो क्या होगा, ये देखिए ये बेस भी सेम होना चाहिए लॉग का इसके, तो इसका आंसर एक्स होगा। मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि टू की पावर लॉग एक्स एट द बेस टू क्या होगा, तो आंसर एक्स ही होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ऑब्वियसली एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव के लिए ये कहानी नहीं है। सिक्स्थ क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है बेस चेंज प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा यूज होगी डोमेन वगैरह में भी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है, बेस चेंज प्रॉपर्टी है कि लॉग एम एट द बेस एन को आप लिख सकते हैं लॉग एम डिवाइडेड बाय लॉग एन, और बेस अपनी चॉइस का, ये क्या है एनी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर अदर देन वन, तो ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है। इसी में बेटा अगर मैं बेस अपनी चॉइस का है और मैं बेस क्या ले लूं, एम एम ले लूं, तो लॉग एम एट द बेस एम वन हो जाएगा, ये सभी जानते हैं, तो फिर इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि लॉग एम एट द बेस एन इज इक्वल टू लॉग एन एट द बेस एम, सॉरी वन अपॉन, ऐसी प्रोकल हो जाता है। तो ये लॉग की बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होंगी, डोमेन में बहुत ज्यादा यूज नहीं होगी, डोमेन में तो आपको इनइक्वालिटीज या जो बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉग की वही सब पढ़नी है। चलिए तो ये जो कहानी है ये लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कब डिफाइन होगा, क्या रेंज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ कैसा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
चलिए हम आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल पे, डोमेन बेस्ड, फिर आगे चलेंगे। चलिए देखिए एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा ये बेटा सभी लोग बहुत अच्छे से सेट कर ले अपने दिमाग में कि लॉग एक्स एट द बेस ई, इसको हम क्या बोलते हैं, एल एन एक्स बोलते हैं, मतलब नेचुरल लॉग। अब क्यों बोलते हैं, कैसे, इसकी जरूरत अभी नहीं है, बस याद रखो कि अगर बेस ई है, ई सभी बच्चे जानते होंगे कि ई जो है एक रैशनल नंबर है जिसका अप्रोक्सीमेटली डेसिमल के टू प्लेस तक वैल्यू 2.73 होता है। याद रखना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 2.73 इसका अप्रोक्स वैल्यू है, तो इसको हम एल एन एक्स बोलते हैं। तो एल एन एक्स बहुत बार मिलेगा आपको नेचुरल लॉग। और एल्जेब्रिक फंक्शंस, जब आपको मतलब एक्स के टर्म्स में कोई फंक्शन दिया होगा, सपोज बेस नहीं लिखा है बेटा, तो बेस ई ही लेंगे, फिर याद रखनी है आपको। चलिए आगे चलते हैं, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक दो डोमेन के, फिर आगे चलेंगे। जैसे एग्जांपल है फाइंड डोमेन, छोटी छोटी बातें करेंगे डोमेन के, बहुत अच्छे बहुत हंसू वाले क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन अभी बहुत बेसिक बातें करें। फाइंड डोमेन ऑफ, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, डोमेन बताना है वन अपॉन एल एन एक्स, इसका डोमेन बताना एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एल एन एक्स। तो क्या बातें याद रखनी है, देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा, डिनोमिनेटर में जीरो ना हो जाए, अंडर रूट में नेगेटिव ना हो जाए, और लॉग को डिफाइन होने के लिए एक्स नेगेटिव ना हो जाए, बेस नेगेटिव ना हो जाए, बेस वन भी नहीं होना चाहिए। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए अब ये फंक्शन के लिए क्या है, सबसे पहली बात तो वन अपॉन में जो क्वांटिटी है वो जीरो ना हो जाए, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। एंड साथ साथ जब मैं बोलता हूं कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तो फिर तो आपको कॉमन एक्स लेने पड़ेंगे, दोनों बातों को फुलफिल करना है, इंटरसेक्शन रखना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन, एक तो बेटा ये जीरो ना हो जाए, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो लॉग डिफाइन होगा। अब मैं इसको तो जीरो, इसको बोल दू नॉन जीरो, लेकिन एक्स में कुछ भी नेगेटिव रख दो इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी, तो एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि लॉग की वैल्यू जीरो का बुद्धि, बहुत अच्छे से मैंने ग्राफ बताया था, एम्फसाइज किया था उस पर, कि जब एक्स की वैल्यू, या आप ऐसे देख लिया करो लॉग एक्स जीरो होगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो ई है ना, ई की पावर जीरो वन, तो एक्स वन नहीं होना चाहिए और एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर क्या हुआ, एक्स जीरो से बड़े नंबर होने चाहिए और वन नहीं होना चाहिए। तो वन पे होलो सर्कल, होलो सर्कल का मतलब आपको सभी को पता है, होलो सर्कल का मतलब जीरो पे भी होलो सर्कल, जीरो भी नहीं होगी वैल्यू। तो वैल्यूज क्या होंगी, मैं डार्क कर रहा हूं, ये वैल्यूज होंगी, होलो सर्कल मतलब एक्स की वैल्यू वन नहीं लेनी है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो क्या लिखूंगा इसको, ऐसे लिखूंगा जीरो टू इन्फिनिटी अदर देन वन, या फिर मैं क्या लिखूंगा इसको जीरो टू वन, दोनों तरीके से लिखा हो सकता आंसर, यूनियन वन से इन्फिनिटी, जीरो से वन के बीच के सारे नंबर्स लेने और वन से इंफिनिटी तक सारे नंबर्स लेने। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एल एन एक्स। तो अंडर रूट एल एन एक्स में क्या देखना है आपको, देखिए अंडर रूट में नेगेटिव ना हो जाए सबसे पहली कहानी, ये पॉजिटिव या जीरो, ये जीरो हो सकता है, अंडर रूट जीरो जीरो होता है। और दूसरी बात क्या, एक्स कैसा होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव नहीं होगा तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। अब एल एन एक्स पॉजिटिव कब, देखिए अभी मैंने बताया था बहुत अच्छे से चिल्ला चिल्ला के बताया था कि लॉग की वैल्यू बेटा पॉजिटिव कब होगी, जब बेस और एम्पलीट्यूड दोनों क्या होंगे, सेम साइड ऑफ यूनिटी, या तो वन से बड़े या वन से छोटे। तो एक्स क्या होना चाहिए, ये इसका बेस तो ई है वन से बड़ा, तो एक्स भी क्या होना चाहिए वन से बड़ा। या आप इनइक्वालिटी की तरह इसको सॉल्व कर लो बेटा, लॉग एक्स एट दी बेस ई जीरो से बड़ा, तो बेस वन से बड़ा है, मैंने बताया साइन चेंज नहीं होगा, तो एक्स ग्रेटर देन ई की पार जीरो, ई की पार किसी की भी पार जीरो वन, ऐसे भी समझ सकते हो। तो एक्स वन से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, इंटरसेक्शन एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे एक्स क्या है जो जीरो से बड़े हो और वन से बड़े और इक्वल हो, तो एक्स जीरो से बड़े तो ये सब हो गए और वन से बड़े इक्वल ही हो गए, कॉमन क्या है इनमें, वन से इन्फिनिटी, सभी बच्चे देख पा रहे होंगे एक्स वन से इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन हो गया इस फंक्शन का। तो लॉग में हम कुछ इस तरीके से ही चलेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए देखते नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखिए,
एक एग्जांपल हो लेते हैं लॉग पर और फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, fx इज इक्वल टू लॉग, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, बेस भी वेरिएबल रखा लॉग x और यहां पर मैंने क्या लिया x माइनस थ्री टू एक्स माइनस वन, इसका लॉग निकालना है, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो बहुत अच्छे से देखो आप बेटा, लॉग है तो क्या क्या होना चाहिए, एक तो बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन लगाता चल रहा हूं मैं, वन नहीं होना चाहिए, साथ साथ और क्या रखना, ये जो एम्पलीट्यूड है x माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस वन, ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, जीरो भी नहीं होना चाहिए, यही मिस्टेक्स होती है, आपने जीरो लगा दिया ऑप्शन में, बिल्कुल मिलते जुलते ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो एक्स क्या होना चाहिए, जीरो से ग्रेटर और वन नहीं होना चाहिए। तो और इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, इसका सॉल्यूशन पिछली क्लास में मैंने आपको वेवी कर्व मेथड बताया था बेटा, दो लीनियर फैक्टर्स है, रूट्स क्या होंगे, थ्री एन हाफ और फिर उसके बाद क्या प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो मैं एक साथ ही लिख लेता हूं, एक साथ मुझे क्या लिखना है कि देखिए एक्स जीरो से बड़ा भी होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए और यहां पर पॉजिटिव कब आएगा, जब एक्स हाफ से छोटा और थ्री से बड़ा, एक साथ नंबर लाइन पर लिख रहा हूं, तो थ्री ये रहा यहां पर, हाफ ये रहा यहां पर, जीरो ये रहा यहां पर, क्या होना चाहिए, एक्स जीरो से बड़ा, तो ये हो गया। वन भी मैं दिखा देता हूं, वन ये रहा, वन को नहीं लेना है, एक्स जीरो से बड़ा, दूसरी बात हाफ से छोटा, देखिए इसका मतलब है या तो ये हो जाए, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ये यूनियन है, और या फिर तीन से बड़ा। तो ये देखिए पहला पॉइंट मेरा ये था और दूसरा पॉइंट ये या फिर ये था, तो कॉमन देखिए पहले और दूसरे में क्या है, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ एक्स है जीरो से हाफ के बीच में, तो एक्स क्या होना चाहिए बेटा, डोमेन क्या होना चाहिए इसका, जीरो से हाफ यूनियन, और इधर कॉमन क्या है, थ्री से इंफिनिटी, वन नहीं होना चाहिए तो वन आया भी नहीं है देखिए इस आंसर में, तो इसका आंसर होगा जीरो टू हाफ यूनियन थ्री टू इंफिनिटी। तो लॉग के डोमेन हम इस तरीके से देखेंगे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन आप सीख गए तो फिर आगे बढ़ने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है एक एक्सपोनेंशियल का भी ले लेते हैं, बोले कि फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर वन अपॉन एक्स, तो एक्सपोनेंशियल टू की पावर वन अपॉन एक्स, तो सभी बच्चे जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल तो हमेशा डिफाइन होगा टू से, टू की पावर कुछ भी हो हमेशा डिफाइन होगा, लेकिन कुछ भी में ये बात आप मत भूलना कि ये वन अपॉन एक्स भी डिफाइन होना चाहिए, पूरे कंप्लीट फंक्शन के अंदर हर पार्ट डिफाइन होना चाहिए, जब ये डिफाइन होगा बेटा तभी तो मैं टू की पावर डिफाइन कर पाऊंगा, तो वन अपॉन एक्स ही डिफाइन नहीं हो रहा तो टू की पावर में क्या अनडिफाइंड, टू की पावर अनडिफाइंड ऐसा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो क्या होना चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सपोनेंशियल से, एक्स क्या नहीं होना चाहिए जीरो, तो डोमेन क्या लिखेंगे इसका, इसका डोमेन लिखेंगे आर ऑल रियल नंबर्स अदर देन जीरो जीरो को छोड़ के, या लिखेंगे माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इंफिनिटी, इसका मतलब है जीरो को एक्सक्लूड करके बाकी सारे एक्स इसके डोमेन का पार्ट होंगे। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल का एक एग्जाम्पल, एक लॉग का और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लॉग पर ही बेस ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, डबल लॉग लगा लेते हैं, लॉग एट द बेस 10, लॉग एट द बेस 10 एक्स क्यूब प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप समझिए ये जो पहला लॉग है इसका एम्पलीट्यूड बेटा ये है और इस वाले लॉग का एम्पलीट्यूड ये, और बेस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेस तो 10 दे रखा है, फिर तो बेस के बारे में तो सोचेंगे नहीं, डोमेन जब फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये लॉग भी डिफाइन होना चाहिए और ये सबसे पहले ये लॉग डिफाइन होना चाहिए और इसकी वैल्यू जो भी आए वो भी कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि तभी ये वाला लॉग डिफाइन होगा। तो क्या क्या देखना है आपको, इस लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वन जीरो से बड़ा होना चाहिए, इंटरसेक्शन इस लॉग को डिफाइन करने के लिए ये सारा आइटम कैसा होना चाहिए, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। चलिए तो x क्यूब प्लस वन जीरो से ग्रेटर, ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे, x प्लस वन, x स्क्वायर माइनस x प्लस वन
और इसमें क्या होगा, ये कब होगा एक्स क्यूब, अभी मत लिखिए, अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वन जीरो से ग्रेटर, और यहाँ क्या होगा देखिए, वो मैंने बताया था आपको, जीरो से बड़ा कब मिलेगा, जब एक्स क्यूब प्लस वन की वैल्यू वन से बड़ी होगी, जब बेस वन से बड़ा तो एम्पलीट्यूड भी वन से बड़ा होना चाहिए, तभी जीरो से बड़ी वैल्यू। अब दोनों का कॉमन सभी बच्चे हर कोई देख के बता सकता है कि एक क्वांटिटी जीरो से भी बड़ी होनी चाहिए, वही सेम क्वांटिटी वन से भी बड़ी होनी चाहिए, तो कॉमन क्या है, वन से बड़ी होनी चाहिए, तो वन से बड़ी होगी तो दोनों में आ जाएगा कॉमन, दोनों का पार्ट ये होगा। इनइक्वालिटी आप जानते हैं, तो एक्स क्यूब जीरो जीरो से बड़ा, जब क्यूब होता है तो मैंने बताया था कि इसको लीनियर में लिख लेते हैं, तो एक्स जीरो से बड़ा, तो डोमेन क्या हो गया जीरो से इनफिनिटी। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स मैंने अभी दो तीन चार आपको कराए, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे लोग के, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं फटाफट पहले टाइप्स आपको बता देता हूँ, तो ये लॉ फंक्शन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइटल है इसमें लॉग फंक्शन के बाद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी बातें, फटाफट पढ़ लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, या फिर मॉड्यूलस फंक्शन, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, देखिए आपने ये भी पढ़ा हुआ है, सभी बच्चे पढ़ के आते हैं, और ये क्या है देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सिंबल होता है इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू ये मॉड एक्स, इसकी कहानी थोड़ी बहुत मैंने बताई गई थी, मॉड में तो इनइक्वालिटी भी मैंने सॉल्व करा दी, मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। डोमेन क्या है, कोई भी एक्स रखो बुरा नहीं मानेगा, डोमेन इसका क्या होगा रियल, रेंज कैसी आएगी, आउटपुट हमेशा कैसा मिलेगा, जीरो या जीरो से ग्रेटर, मतलब नॉन नेगेटिव, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, जीरो या पॉजिटिव इसकी रेंज में आएगा। चलिए बात करें इसका ग्राफ, देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो सभी जानते हैं, इससे रिलेटेड जो अदर फंक्शंस बनेंगे उनका हम डोमेन रेंज और उनका ग्राफ कैसे प्रूव करते हैं ये भी देखेंगे। इसका ग्राफ हम बना लेते हैं, देखिए इसको रीडिफाइन करना सभी बच्चों को आता है कि एफ एक्स को क्या लिखेंगे, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी जब एक्स क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी जब एक्स कैसा होगा लेस देन और लेस देन जीरो। तो ये इसका रीडिफाइन होता है, ऐसे लिख लेते हैं मॉड को, भाई पॉजिटिव नंबर का तो पॉजिटिव ही आएगा और नेगेटिव का क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, तो एक्स नेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव और लगाया बन गया वो पॉजिटिव। ग्राफ इसका कैसे प्लॉट करते हैं, दोनों लाइन है देखो, ये भी लाइन है, ये लाइन कौन से रीजन में, जब एक्स जीरो या जीरो से ग्रेटर है, तो एक्स जीरो या जीरो से ग्रेटर है मतलब वाई इक्वल टू एक्स, प्लो कर रहा हूं मैं वाई इक्वल टू एक्स, ये लाइन होती है, लेकिन इसको केवल जीरो से इधर रखना है, तो इधर वाला पोर्शन हटा दो, केवल जीरो से राइट हैंड साइड में जीरो से ग्रेटर होने पर ये ग्राफ होगा। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स भी सब स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आ चुके हैं, ये वाली लाइन होती है, लेकिन इसको जीरो से उधर रखना है, तो ये वी शेप बनता है, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये प्लॉट करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इससे रिलेटेड दो चार फंक्शंस और हम देखेंगे तो उनकी बातें करेंगे। अच्छा कुछ बातें मॉड में बहुत बेसिक रीडिफाइन करना मैंने बताई दी है, कहीं पर ऐसा बेटा आ जाए तो उसको रीडिफाइन करना, पिछले लेक्चर में किया था, जो बच्चे नहीं थे तो वो देख लें पिछला लेक्चर, उसमें मैंने इसको रीडिफाइन करना बताया था कि इसमें अगर कुछ सॉल्व करना हो, इसमें कोई इनइक्वालिटी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने रीडिफाइन करना आपको बता दिया था। इसका ग्राफ भी अगर प्लॉट करना पड़े आपको तो इसको रीडिफाइन ही करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन से, तो मैं फटाफट रीडिफाइन करना तो बता चुका हूँ बेटा, मैं बता देता हूँ आपको बस, देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए ये बेटा जब रीडिफाइन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 2x माइनस 3 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 व्हेन x 1 टू 2, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप भी फटाफट लिख पाएंगे, जैसे मैं लिख पा रहा हूँ 3 माइनस 2x जब x 1 से स्मॉलर, ऐसा कुछ आएगा जब इसको रीडिफाइन करेंगे। उसको प्लॉट भी कर सकते हो आप, कैसे करना है, जैसे मैंने इसको रीडिफाइन करने के बाद ये लाइन बनी, ये बनी, दोनों लाइन प्लॉट कर दी, वैसे इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। देखिए इसको प्लॉट कैसे करेंगे बता, लाइन बनेगी और प्लॉट करने के बाद आपको कई कंफ्यूजन दिखाई देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसको प्लॉट करने के बाद, तो इसको प्लॉट कर लेता हूं मैं। देखिए नेगेटिव से स्टार्ट करता हूं, एक्स जब वन से छोटा है, वन ये रहा वन और टू, जब एक्स वन से छोटा है तो ग्राफ क्या है, ये वाली लाइन है। अब हर कोई जानता है ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी,
नेगेटिव स्लोप है, आपको तो रफ स्केच बना, नेगेटिव स्लोप है या एक दो पॉइंट रख के देखिए, जैसे अगर मैं वन पे देखूँ तो वन पे क्या होगी वैल्यू, अच्छा इज इक्वल टू आप यहाँ लगाओ से यहाँ, मैंने बताया था मॉड फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, मॉड फंक्शन कहीं टूटते नहीं है बीच में, आप देख लो वन पे वैल्यू एग्जैक्टली वन रखने पर क्या रही है वन, और वन से जस्ट बड़ा नंबर रखोगे तो वो भी क्या आएगी वन के नजदीक ही आएगी, लिमिट थोड़ी बहुत आप नजर पड़ लो तो कंटिन्यूस होता है, आप नीचे आप ग्राफ को ज्वाइन करते हुए बनाइए कहीं बीच में टूटेगा एक्स वन से पहले, तो ये ग्राफ क्या होगा वन पे क्या देगा वैल्यू वन, जीरो पर क्या देगा थ्री, तो ऐसी लाइन बनेगी, दो पॉइंट से आप लाइन बनाई देते हैं, तो वन से पहले ये वाली लाइन होगी नेगेटिव स्लोप की, वन और टू के बीच में लाइन क्या है वाई इज इक्वल टू वन, सभी बच्चे जानते हैं कि वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या लाइन होती है, ये वन है तो वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन होगी, कहां तक बनेगी ये टू तक, अब टू से आगे क्या लाइन है पॉजिटिव स्लोप की 2x माइनस थ्री, चाहे तो पॉइंट रख के देख लो थ्री रख के देखो थ्री टू सिक्स माइनस थ्री थ्री, थ्री रखने पर ये भी थ्री दे रहा है, तो इसी तरह की लाइन है बिल्कुल पॉजिटिव स्लोप, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, ये लाइन है y इज इक्वल टू थ्री माइनस टू एक्स, और ये y इज इक्वल टू वन, ये ग्राफ बहुत काम आएगा, जैसे इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि फंक्शन की इसकी वैल्यू लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू क्या, तो y की वैल्यू सबसे छोटी क्या, तो ग्राफ में देखो y सबसे नीचा पॉइंट क्या है वन है बेटा वन, वन से नीचे ग्राफ की वैल्यू नहीं आएगी, तो वाई मिनिमम कितना हो गया इस फंक्शन के अंदर वो हो गया वन, बाकी बहुत ज्यादा और बहुत सारी चीजें यूज होंगी, जैसे आपसे पूछने लगे कि बताइए कि वाई की वैल्यू तो पर्टिकुलर वैल्यू थ्री कब होगी, इसकी वैल्यू थ्री कब होगी इज इक्वल टू थ्री कब होगा, तो दिख रहा है थ्री दो पॉइंट पे हुआ था, ये थ्री था और ये थ्री था, इसको इधर थ्री रखने पर थ्री हुआ था एक जीरो पर, तो आप थ्री पे थ्री कब होगा ऐसी लाइन ड्रॉ करके देखिए, ये इसको देख लो एक तो थ्री होगा एक थ्री होगा, ये तो थ्री होगा ये तो वन है, और उससे ग्रेटर कब होगा तो आपको दिख रहा है थ्री से बड़ी कब होगी वैल्यू, जब एक्स जीरो से माइनस इन्फिनिटी से जीरो होगा या थ्री से बड़ी वैल्यू से, तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद काफी चीजें क्लियर हो जाती है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए फंक्शन एंड ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगले चैप्टर्स में लिखना शुरू हो जाएगा, हालांकि फंक्शन एंड ग्राफ भी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे 20 के आसपास लेक्चर लेंगे इसमें, लेकिन उसके बाद आगे का काम बहुत आसान हो जाता है, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी एक टॉपिक आएगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी हम यहीं से देख के बता देंगे, देखिए इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ऐसे पॉइंट जो नुकीले पॉइंट होते हैं ग्राफ पर उनपे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, अब ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या है पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है ग्राफ और फंक्शन, तो ये बेसिक बात याद रखनी है आपको, तो ऐसा मत कर देना मैं वापस देखिए इसको रीडिफाइन आपको करना बता दिया बेटा, बिल्कुल ये मत कर देना कि अच्छा मोड को एक साथ लिख दिया आपने, ये मत कर देना ये नहीं होगा, ये हो सकता है लेकिन कब होगा बता देता हूं आपको, देखिए मोड एक्स प्लस मोड वाई को आप मोड एक्स प्लस वाई कब लिखेंगे, ये कब हो सकता है ये हमें समझना है, तभी होगा जब एक्स और वाई सेम साइन क्वांटिटी है, दोनों कैसे हैं पॉजिटिव या दोनों कैसी क्वांटिटीज है नेगेटिव क्वांटिटीज है, तभी आप ये करेंगे अदरवाइज नहीं होगा, मतलब जल्दबाजी मत करना है, ऐसी गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं सभी बच्चों से होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बच्चों को ये गड़बड़ कर सकता है कोई बच्चा, हाँ मल्टीप्लाई में अगर कहीं लिखा है मोड एक्स वाई तो उसको हम मोड एक्स इंटू मोड वाई हमेशा लिख देंगे, डिवाइड में भी माइनस में भी आपको पता है कि साइन देखना पड़ेगा, तो ये जल्दबाजी मत करना, कहीं पर ऐसा यूज नहीं होगा कि हम इसको ऐसा लिखेंगे, कहीं नहीं लिखेंगे, हमें बस ये समझना है कि ऐसा हम ना लिखें, ये इम्पोर्टेंट है, लिखने मतलब यूज तो होगा ये तो प्रॉपर्टी नहीं है ये, लेकिन वैसे आपको नहीं लिखना है ये इस बात पर फोकस कर, चलिए आगे चलते हैं, देखिए तो लॉग में अभी हम और डोमेन रेंज के क्वेश्चन करते हैं, देखिए अब अगर आपसे पूछे इसकी रेंज बताइए, इस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि रेंज बताइए इस फंक्शन की, इसकी रेंज फाइंड रेंज, देखिए डोमेन तो आप नीचे बोल देना, आप डोमेन तो आप नीच के बोल देना, मोड फंक्शन हर किसी के लिए डिफाइन होता है, तो डोमेन तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो देखिए डोमेन होता है ये जो एक्स में रख रहा हूँ जिन पे वाई मिल रहा है, सभी में पे मिल रहा है रेंज क्या होता है वाई क्या मिल रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है रेंज लीस्ट वैल्यू क्या वन और ग्रेटेस्ट क्या ये लाइन कहां तक जाएगी इंफिनिटी, बेटा रेंज क्या होगा इस फंक्शन की वन से इंफिनिटी, तो जैसे इसकी रेंज निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, आपने कुछ रेंज के क्वेश्चन किए हैं इलेवेंथ में मैंने आपको बताए थे, देखिए कुछ बेसिक मैनिपुलेशन कर लेते हैं हम फंक्शन को एक टर्म पे डिपेंडेंट बना के ट्रिग्नोमेट्री में खास करके और उस टर्म से स्टार्ट करके पूरा फंक्शन क्रिएट करके रेंज बना,
तो रेंज जो है वो बहुत सारे टाइप्स है, अलग अलग फंक्शन की रेंज निकालने के बेटा अलग अलग तरीके हैं, और रेंज आप कंप्लीट सीख पाएंगे काफी टाइम बाद, क्योंकि इसमें मोनोटोनोसिटी मैक्सिमम मिनिमा बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अलग अलग तरीके रेंज होंगे। तो जिनके हम सीखेंगे उन्हीं के अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले तो आपको जैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं उसी में समझना है कि अच्छा इसमें बेसिक मैनिपुलेशन लगेगा, ग्राफ लगेगा, या प्रॉपर्टी फंक्शन भी लगेंगी, या मोनोटोनोसिटी। चलिए तो आगे चलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल ऐसे हैं इस पर बेस्ड, डोमेन रेंज की बात कर रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसी से रिलेटेड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की बोले कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड डोमेन रेंज, डोमेन बताइए रेंज बताइए, और आल्सो ड्रो ग्राफ, ग्राफ भी ड्रो कीजिए। अब आप थोड़ा सा देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मैं अभी कराने जा रहा हूं आपको। जैसे बोल रहे हैं वाई इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इसका ग्राफ भी बनाइए, इसका डोमेन भी बनाइए। तो फटाफट देखते हैं डोमेन तो क्या होगा बेटा, डोमेन क्या होगा ऑल रियल, रेंज क्या होगी इसकी, भाई रेंज में क्या आउटपुट क्या मिलेगा। अब देखिए मॉड है भाई, मॉड की वजह नेगेटिव नहीं हो सकती, और वन रखने पे जीरो होगी, तो रेंज बहुत ऑब्वियस है, यहाँ से बहुत आराम से दिख रहा है, जीरो टू इन्फिनिटी होगी। और अगर आपको अभी रेंज समझ नहीं आई तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, वहां से भी देख सकते हो। तो मॉड एक्स माइनस वन को मैं एक तरीका जो बिल्कुल सस्ता तरीका है, देखिए इसको मॉड को हटा के प्लस लगाया, मॉड को हटा के माइनस लगाया, मॉड को हटा के प्लस जब लगता है जब मॉड के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कब होगा जब एक्स वन या वन से बड़ा होगा। देखिए एक्स वन या वन से बड़ा तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस के साथ खुलेगा, जब एक्स वन से छोटा माइनस के साथ खुलेगा। अब इनको मैं प्लॉट कर लेता हूँ, जब मैं प्लॉट करूंगा तो वहां से भी आपको रेंज मिल जाएगी। देखिए x जब 1 या 1 से बड़ा तो ग्राफ क्या है, ये वाली लाइन, ये लाइन सभी बच्चे ड्रॉ करेंगे, तो 1 रखने पर क्या आएगा 0, स्लोप 1 की लाइन है, 2 रखने पर 1 आएगा, 3 रखने पर 2 आएगा, ऐसी लाइन होगी ये वाली y इज इक्वल टू x माइनस 1। x जब 1 से छोटा है तो ये लाइन, ये लाइन क्या है, स्लोप नेगेटिव है इसका, 0 रखने पर क्या आएगा 1, माइनस 1 रखने पर 2, तो ये ऐसी लाइन होगी नेगेटिव स्लोप की, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, ये इसका नेगेटिव स्लोप की लाइन होगी। तो ग्राफ देख के भी पता चल रहा है कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, जीरो से लेके इंफिनिटी, यहाँ से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक ये वैल्यूज ले रहा है, तो ये हो गया। तो रेंज भी क्लियर हो गई, डोमेन भी। अच्छा ग्राफ जो मैंने बनाया इसका, वो ग्राफ जो है आप एक चीज देखिए, इस ग्राफ को आप प्लॉट कर सकते हैं, इस ग्राफ को प्लॉट करने का दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, उस दूसरे तरीके में क्या होता है, देखिए इसको हटा देता हूं यहां से। बहुत अच्छे से आपको एक बात समझनी है मेरी, वो बात क्या है कि देखिए अगर जब हम मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो करना क्या बेटा, हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ नाम से तो सिखाएगा, तो मैं सारी बात करूंगा। आप क्या कीजिए, मॉड एक्स के ग्राफ से मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ अगर बनाना है, या आपको एफ एक्स के ग्राफ से एफ एक्स माइनस एल्फा का ग्राफ बनाना है, तो करना क्या है, देखिए बस हुआ क्या, इतना चेंज हुआ कि जो वैल्यू जीरो पर थी वो अल्फा पे चली गई, एक्स जीरो रखने पे एफ जीरो मिलता, यहाँ एक्स अल्फा रखने पे एफ जीरो। तो ग्राफ जो है अल्फा पॉइंट पे सेट हो गया, अल्फा मतलब तो जीरो के साथ ग्राफ वो अल्फा पे चला, मतलब जैसे y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये था, तो y इज इक्वल टू x माइनस वन का ग्राफ क्या होगा, वन पे चले जाओ, बिल्कुल इसी की कॉपी मार दो, इसकी कॉपी और इसकी कॉपी, तो वन डिस्टेंस ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर होता x प्लस वन का मॉड तो ग्राफ क्या होता, उधर शिफ्ट हो जाता, फिर माइनस वन रखने पर वो वैल्यू मिलती जो जीरो रखने पर मिलती है। ठीक है, तो करना क्या है देखिए, अभी इसमें हमें ये एग्जाम्पल हो गया, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड डोमेन रेंज एंड ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ, फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन है बेटा y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, इस बार केवल x पे मॉड लगाया और फिर उसमें 1 ऐड हुआ, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए
उसका तरीका क्या होता है, मॉड एक्स का ग्राफ, इसलिए ग्राफ से पहले इसको रिडिफाइन कर लेते, डोमेन देख लेते हैं। डोमेन तो बेटा बहुत आराम से देता है सभी बच्चों को, डोमेन क्या है इसका, आर, और इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज क्या है, देखिए इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको पता है, यहाँ बहुत आराम से आप बेसिक कैलकुलेशन लगा सकते हो। क्या मॉड एक्स तो हमेशा जीरो जीरो से बड़ा होता है, आप दोनों साइड क्या ऐड कर लिया, वन, इसकी रेंज क्या होगी, वन से ग्रेटर या इक्वल, तो रेंज क्या होगी इसकी, वन से ग्रेटर। हम बेसिक मैनिपुलेशन लगा सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट इस पर डिपेंडेंट है और इसकी वैल्यू आपको पता है जीरो है, जीरो से बड़ी। अब बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बना। तो ग्राफ बनाने के लिए आप एक चीज समझिए, अगर ये इतना फंक्शन होता तो जीरो पे जीरो देता, आप जीरो पर क्या देगा, वन। अगर ये इतना फंक्शन होता तो वन रखने पे वन देता, आप वन रखने पे क्या देगा, टू। इसका मतलब वाई की वैल्यू वन इंक्रीज हो गई, तो जो पॉइंट जीरो पर था वो वन पे चला जाएगा, और मतलब y is equal to mod x का ग्राफ ये था, y is equal to mod x plus 1 का ग्राफ बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट होगा वन डिस्टेंस, और ऐसे बन जाएगा y is equal to mod x plus 1, ठीक है। और क्यों बना वो बहुत आराम से क्लियर है, हमें तो बस ये देखना है कि चेंज क्या हुआ। चेंज ये हुआ कि अब सारी वैल्यूज 1 इंक्रीज होके मिल रही है, मतलब mod x plus 1 मिल रहा है फंक्शन का वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको फटाफट नोट कर लेना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये तो क्वेश्चन के अंदर बहुत जरा सी बात है जो आपको एकदम से प्लॉट करके और एकदम से दिख जाना चाहिए कि ये रेंज होगी, ये डोमेन होगा, ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी डोमेन रेंज और ग्राफ ही ड्रॉ करना है, वाई इज इक्वल टू, जैसे देख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन। अब देखिए मैंने दोनों बातें कर दी बेटा इस क्वेश्चन में, अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, दोनों चीज कर रहा हूँ, एक्स में भी कुछ सब्ट्रैक्ट किया, टोटल फंक्शन में भी कुछ ऐड किया। तो डोमेन देखते हैं फटाफट, डोमेन क्या है, रियल। रेंज देखते हैं फटाफट, तो बेटा रेंज में भी सोचो एक्स माइनस वन मॉड की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, आपको पता वन रहने पर जीरो हो जाएगा, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। और दूसरी बात इसमें क्या करूं मैं, वन ऐड कर दूं दोनों साइड, तो रेंज क्या आएगी, वन से वन से ग्रेटर, रेंज होगी इस फंक्शन की वन से इंफिनिटी। अब बात करते हैं इसको कैसे प्लॉट करेंगे हम, प्लॉट करने के लिए तरीका क्या है, या तो बेटा वही इसको रीडिफाइन करो, दो लाइन बनाओ, या आप शॉर्ट मेथड समझिए। पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ किसका ग्राफ, मॉड एक्स का, ये बेटा मॉड एक्स का, मॉड एक्स से मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, आर भी बताया आपको, वन डिस्टेंस ग्राफ इधर से हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जीरो रखने पर वन, तो ये ग्राफ किसका है, मॉड एक्स माइनस वन का। तो जब एक्स में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो आप, एक्स में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो तो ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाता है, समझ गए ना आप, देखिए अब वन रखने पे जीरो, वन पे जीरो, और जब टोटल वैल्यू में कुछ ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या, आप वन रखने पर ये तो जीरो देगा लेकिन फंक्शन क्या देगा, वन रखने पर जीरो प्लस वन, तो ये ग्राफ वन डिस्टेंस ऊपर भी शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे हो जाएगा वन कोमा वन। बहुत ध्यान से इसको देखिए, मैंने क्या किया, पहले x में वन सब्ट्रैक्ट होने का मतलब बताया था ये मॉड x का ग्राफ है, x में कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा वन, तो अब बस आप ये देखिए कि जीरो रखने पे जीरो मिल रहा था, अब मॉड x माइनस वन की वैल्यू जीरो कब मिलेगी, वन रखने पर, इसका होगा वन डिस्टेंस इधर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा ग्राफ में, ग्राफ की शेप उसी तरीके से जाएगी जैसे पहले। दूसरी बात, टोटल में वन ऐड करने का मतलब ये भी मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में, टोटल में वन ऐड करने का मतलब हो जाएगा कि ग्राफ वन डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो अल्टीमेटली मैं बाकी को हटा दूं तो ग्राफ कुछ ये वाला बने, बनता हुआ दिखेगा, ये इसका ग्राफ होगा। ये पॉइंट अगर आपको देखना है कि ये एक्स वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो देख लो आप इसमें एक्स को जीरो रखने से वाई कितना होगा, टू, तो जीरो कोमा टू, तो ऐसे हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ को। चलिए आगे चलते हैं, समझते चलिए कि क्या हो रहा है, मॉडल लगाने से ग्राफ में क्या चेंज हो रहा है और कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से क्या चेंज हो रहा है। जैसे मैं अगला क्वेश्चन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है फाइंड डोमेन रेंज एंड ड्रो द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब पहले डोमेन की बात कर लेते हैं बेटा, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन देखिए मॉड को कोई खतरा नहीं, खतरा बस ये है कि डेनोमिनेटर में जीरो ना हो जाए, मतलब मॉड एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डोमेन में क्या होगा, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब रियल अदर देन
जीरो, जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर इसका डोमेन होगा। बात करें इसकी रेंज की, तो रेंज के लिए क्या करना होगा हमें, देखिए रेंज की भी बात अभी कर लेंगे, पहले फ्लोट कर लेते हैं इसको। देखिए अब इसकी रेंज की बात करें तो रेसिप्रोकल वाली बातें मैंने करी थी, उससे आप देख सकते हो कि देखिए कोई नंबर अगर मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, सभी वैल्यूज लेगा जीरो नहीं लेगा, तो उसका उल्टा क्या होगा आप समझते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा प्लॉट करके भी बता देता हूँ। देखिए वाई इज इक्वल टू वन अपॉन मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वाई इज इक्वल टू, अगर बेटा एफ एक्स का ग्राफ आप जानते हैं मैं बना देता हूँ, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ सपोज ये है, जैसे ये ग्राफ है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, अगर आपको एफ एक्स पे मॉड लगा के तब फंक्शन बना के दिया और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, बहुत ध्यान से बेटा देखें कि फर्क ये है कि इसमें ये वैल्यू नेगेटिव भी ले रहा है, जैसे माइनस वन इसने वैल्यू दी किसी एक्स पे, माइनस टू पे सपोज माइनस वन दी, तो इस वाले में क्या होगा, माइनस टू पे क्या लेगा, माइनस वन का मॉड वन लेगा, इसका मतलब जो वैल्यू जैसी नीचे बन रही है बिलो द एक्स एक्सिस बन रही है वैसी वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी, जस्ट मतलब ऐसा बोलूंगा मैं कि जो पार्ट है ग्राफ का, पार्ट ऑफ ग्राफ जो नीचे आ रहा है वो ग्राफ हट जाएगा और उसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी एक्स एक्सिस के बाद, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, प्लस वाला प्लस ही रहेगा, प्लस का मोड प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो पार्ट ऑफ ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस, ऐसा बोल रहा हूं मैं, रिमूव पार्ट ऑफ ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस और इसको हटा दो, एंड टेक इमेज ऑफ रिमूव्ड पार्ट अबाउट एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस में उसका इमेज हम ले लेंगे। तो जैसे ये एफ एक्स है और मुझे मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए ये पोर्शन ऐसे रहेगा, इस वाले पोर्शन की, ये वाले पोर्शन की मिरर इमेज हो जाएगी, ऐसे बन जाएगा। तो ये एफ एक्स का ग्राफ है और ये वाला जो ग्राफ है ये वाला मैं इसको शेड कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, ये वाला ग्राफ बेटा किसका है, ये ग्राफ है मॉड एफ एक्स का। वह क्या, दोबारा समझ लीजिए, ऊपर वाला पोर्शन वही रहेगा, मतलब समझ रहे हैं आप, नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो रही है बस, बाकी चीजों तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऊपर वाला पोर्शन ऐसे रहेगा, जो नेगेटिव पोर्शन है उसी की मिरर इमेज बन जाएगी। मिरर इमेज आप समझते ही, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे हट रहा है तो वो उसका इमेज ऐसे हटेगा, ठीक है। तो इतनी तो आप सभी बच्चे इतने क्रिएटिव तो है ही कि प्लॉट कर सके कि कैसे इमेज बनेगी। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ वाई इज इक्वल टू वन अपॉन मॉड एक्स की, चलिए तो y इज इक्वल टू वन अपॉन मॉड एक्स की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले किसका ग्राफ प्लॉट कर ले, y इज इक्वल टू, सभी बच्चे जानते हैं y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, 11th में कॉनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई इज इक्वल टू वन, सभी को प्लॉट करना आता है, एक्स वाई इज इक्वल टू वन ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसमें हो क्या रहा है, ये तो y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स है, अब आप समझदार है, अभी मैंने बताया वन अपॉन मॉड एक्स क्या होगा कि जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको एज इट इज रखो और जो बिलो द एक्स एक्सिस पोर्शन है ये वाला बेटा इसकी इमेज बना दो, मिरर इमेज। अब इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये मिरर है तो ये बिल्कुल टच कर रहा है तो वो भी टच करेगा, ये ऐसे हट रहा है तो वो ऐसे हटेगा, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये वाला। तो ये ग्राफ किसका, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन मॉड एक्स का, और ग्राफ देख के आप रेंज बता पा रहे हैं बेटा, वाई कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से बड़ा, तो रेंज आप बता पा रहे हैं बहुत आराम से, रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, जीरो से इंफिनिटी, हो गया वन अपॉन फोर एक्स। चलिए तो ये हमने मोड की कुछ मॉड्यूलस फंक्शन की बात की, कुछ हमने इलेवेंथ में भी की थी, कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में भी मोड को रीडिफाइन करना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना बताया था, अच्छे से याद रखना बेटा। फिर आगे चलते हैं, देखिए लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक डोमेन का क्वेश्चन मोड इनइक्वालिटी का यूज करना बताया था, बाकी हम जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे तब हम देख लेंगे, अभी तो मैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, देखिए बेटा हम फटाफट पहले टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद बहुत आसान हमारे लिए काम होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए बेटा, नेक्स्ट फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन, नेक्स्ट जो होता है वो होता है सिग्नम, बहुत ज्यादा यूज होगा,
trigonum function. इसका भी ग्राफ डोमेन इसके रेंज के क्वेश्चन बहुत आते हैं. कॉन्टिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर बनते हैं. तो नेक्स्ट होता है ट्रिग्नम फंक्शन. देखिए फटाफट देखिए ट्रिग्नम फंक्शन क्या है. ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है fx is equal to mod x upon x when x is not equals to zero. और जब x zero तो इसकी वैल्यू जीरो होती है. मतलब तो ऐसे डिफाइन होता है पार्ट में. ये सभी बच्चे जानते हैं कि फंक्शन को ऐसे लिखने को क्या बोलते हैं, पीस वाइज डिफाइन फंक्शन. पार्ट्स में डिफाइन हो रहा है कि देखिए जीरो के लिए वैल्यू जीरो है और जीरो से अलावा कोई भी एक्स है वो यहां से देखे. जीरो पर ये मत बोलना. अभी कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि जीरो रखने पे तो ये अनडिफाइंड हो रहा है. तो जीरो पर ये वैल्यू थोड़ी है, जीरो पर ये एक्सप्रेशन नहीं है, जीरो पर जीरो. तो ये फंक्शन की स्ट्रक्चर इस तरह की है कि जीरो से अलावा वैल्यूज वहां से मिलेंगी, जीरो पर वैल्यू वहां से मिलेंगी. या इसको और मैं क्या बोल सकता हूँ, fx is equal to, सभी बच्चे समझदार है, mod x को मैं x कब लिखूंगा, जब x जीरो से बड़ा. जब x जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, ऊपर x upon x तो 1 हो जाएगा फंक्शन. और जब x जीरो से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x upon x. देखिए यही तो रीडिफाइन होगा, x तो x ही है, x तो वेरिएबल है. mod x की जगह माइनस x आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 1. और जब x, आप किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने बताया था कि मोड तो नेगेटिव नहीं होता है, तो आपने ये नेगेटिव नहीं, मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स का मतलब नेगेटिव थोड़ी है, एक्स नेगेटिव है ना, ये तो पॉजिटिव ही बना. फाइनली माइनस वन मिला और जीरो पर क्या मिलेगा, जीरो. तो हम ऐसे इसको भी लिखते हैं. तो ये ट्रिग्नम फंक्शन एक्स से देख लो, पॉजिटिव पर वैल्यू वन देगा, नेगेटिव एक्स पर वैल्यू माइनस वन देगा, जीरो पर जीरो देगा. रट लीजिए पॉजिटिव, हर पॉजिटिव दुनिया के हर पॉजिटिव पर वैल्यू वन देगा, हर नेगेटिव पे माइनस वन देगा, जीरो पर जीरो देगा. इसके डोमेन रेंज और ग्राफ की बात कर लेते हैं. इसका डोमेन क्या है, कुछ भी रखो, ये भी किसी भी एक्स पर वैल्यू दे रहा है, देख लीजिए वहीं से क्लियर है, हर एक्स पर वैल्यू दे रहा है. बात करें इसकी रेंज की, आउटपुट क्या मिल रहा है, आप डिफरेंट एक्स डाल रहे हैं, वैल्यूज क्या मिल रही है, बेटा तीन ही वैल्यूज मिल रही है, माइनस वन, जीरो और वन का सेट. सेट है ये, इंटरवल नहीं, केवल तीन वैल्यूज लेगा, माइनस वन, जीरो, वन का एलिमेंटल सेट, एलिमेंट का सेट. ये सेट है, इंटरवल नहीं, तीन वैल्यूज खाली लेगा फंक्शन, माइनस वन, जीरो पर. वो आपको पता, पॉजिटिव के लिए वन लेगा, नेगेटिव के लिए माइनस वन और जीरो, जीरो पर. इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है ग्राफ. देखिए जीरो पर वैल्यू जीरो, लाइन है, अरे स्ट्रेट लाइन तो जहां भी मिले आप ड्रॉ कर ही सकते हैं, दसवीं से पढ़ते आ रहे हैं. जीरो से जैसे बस जस्ट बड़ा नंबर रखा, वैल्यू क्या होगी, वन, और फिर वन ही मिलती रही आगे तक, वाई की वैल्यू वन रही, वन से नौ पर माइनस से. जब एक्स जीरो से छोटा रखूंगा तो ग्राफ क्या होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस वन पे रहेगा, माइनस वन पे ही चलेगा. वाई इज इक्वल टू माइनस वन, वाई इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू जीरो. ये क्या है, ट्रिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, अच्छे से जहन में बिठा लीजिए, बार बार यूज होगा. तो ये तो सिग्नम की डेफिनेशन होगी. बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर अभी भी बनेंगे, देखना कैसे बनेंगे मैं बता देता हूं. पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है फाइंड डोमेन रेंज. फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, इसका डोमेन रेंज पूछ रहे हैं. क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू, अच्छा सिग्नम को शॉर्ट में fgn ब्रैकेट x ऐसे लिख लेते हैं, ये हमेशा याद रखना, ऐसे लिख लेते हैं. तो x की जगह कुछ भी हो सकता है, x प्लस वन, साइन x, cos x, कुछ भी. तो fx इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ सिग्नम x स्क्वायर माइनस टू, ये फंक्शन का स्क्वायर माइनस वन, इसका डोमेन और रेंज दोनों बताने. चलिए देखते हैं. अब देखिए इसका डोमेन रेंज बताने के लिए पहले डोमेन की बात करते हैं. तो डोमेन तो आप नीचे से बोलते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सिग्नम, किसी भी एक्स पर ऐसा नहीं होगा कि अनडिफाइंड होगा. तो ये आप सभी बच्चे समझ लीजिए, सिग्नम हर एक्स पर डिफाइन होता है. बस ये ध्यान रखिए कि सिग्नम किसका ले रहे हैं वो तो अनडिफाइंड नहीं हो रहा. चलो सिग्नम इसका ले रहे हैं ये तो बेटा हमेशा डिफाइन होता है. तो कोई भी एक्स रखो ये डिफाइन होगा, जो भी आएगा उस पर सिग्नम भी डिफाइन होगा. तो डोमेन क्या हो गया इसका, रियल. बेटा कोई भी एक्स इसमें रखूंगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, रियल, और हर रियल का सिग्नम भी मिलेगा. कल को अगर होता सिग्नम वन अपॉन एक्स तो क्या बोलते हैं आप डोमेन, कि देखिए ये सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए, जब ये मिलेगा तब उसका हम सिग्नम फाइंड करेंगे. तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, इसमें जीरो.
x0 को छोड़ के कुछ भी रखोगे इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रियल मिलेगी, उसका सिग्नल हमेशा डिफाइन होगा। चलिए बात करते हैं इसके डोमेन रेंज की, तो इसका डोमेन क्या है r, और इसकी रेंज की बात करें तो बेटा रेंज कैसे देखेंगे हम, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। रेंज डिपेंड करेगा कि ये जो लिखा हुआ है ये कैसी वैल्यूज लेता है। सिग्नम में तो बस आपको देखना है कि जो सिग्नम के आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन या फंक्शन, क्या वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, मतलब एक्स की वैल्यूज डालने पर क्या उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, या हमेशा नेगेटिव ही आएगा, या जीरो ही आएगा, या तीनों आएगा, या दो आएंगे, या क्या आएगा। देखिए मैं डिफरेंट एक्स डालूंगा तो सभी बच्चे जानते हैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी, जब वन से बड़ा रखूंगा नेगेटिव भी आएगी, जब वन से छोटा रखूंगा वन रखने से जीरो भी आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। ये मत बोलना कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, नहीं, या इसको प्लॉट कर देता हूँ, सभी बच्चे जानते हैं पैराबोला है इसका वर्टेक्स क्या है माइनस वन जीरो कमा माइनस वन, तो ये वर्टेक्स जीरो कमा माइनस वन ओपन अपवर्ड पैराबोला। तो ये तो बेटा नेगेटिव वैल्यूज भी ले रहा है, पॉजिटिव भी ले रहा है और जीरो भी ले रहा है, तो क्या होगा रेंज बोलो, रेंज होगा माइनस वन जीरो वन, तीनों वैल्यूज ये फंक्शन लेगा माइनस वन जीरो वन। रीजन क्या था, रीजन ये था क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव वैल्यूज भी ले रहा है, पॉजिटिव भी और जीरो भी ले रहा है। अब कल को अगर फंक्शन हो वाई इक्वल टू सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हर कोई देख के बता सकता है कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वन वन या वन से बड़ा। अब वन या वन से बड़ा अगर सिग्नम के आगे लिखेंगे, वन या वन से बड़ा मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, तो उसका सिग्नम कैसा आएगा, हमेशा वन आएगा। इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, वन, केवल वन का सेट, एलिमेंटल सेट वन। ये बात आपको समझ लो, ये सिंपल क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपको बतानी है डोमेन रेंज, वही डोमेन रेंज की बात करें, सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब आपका जो पढ़ाया गया उसका भी टेस्ट इस वाले क्वेश्चन में हो जाता है, लेकिन सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डोमेन आर्क नीच के आर, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पॉलिनोमियल दुनिया के हर एक्स पर डिफाइन होता है, और जो भी देगा वो डिफाइन होगा तो रियल वैल्यू देगा, रियल वैल्यू का सिग्नम किसी भी वैल्यू का सिग्नम निकाल सकते हैं। डोमेन आर हो गया, रेंज की बात करते हैं, तो रेंज के लिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कैसी वैल्यूज दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव या तीनों। देख लेते हैं बेटा, सभी बच्चे इस बात को समझ लें कि ये क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए, पहले डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट एक ऐसा है पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेटिक हो गया, ये प्लॉट करूंगा तो कैसा बनेगा, अरे ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो प्लॉट भी मत करो, मैंने तो आपको बहुत एम्फसाइज किया था इस बात को, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा वैल्यू, कोई भी रियल एक्स रख लीजिए या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लीजिए, जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा होल स्क्वायर ऑफ अ क्वांटिटी प्लस वन, किसी का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव कर, किसी का स्क्वायर प्लस कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई भी एक्स रखने पर ये पॉजिटिव देगा। और बेटा पॉजिटिव नंबर का सिग्नम क्या आता है, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या आएगा, केवल और केवल वन। तो रेंज में क्या आएगा, रेंज इसकी खाली क्या होगी, एलिमेंटल सेट वन, रेंज में केवल एक एलिमेंट आएगा वो भी क्या आएगा, वन। ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन और भी शानदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे आप। थोड़ा सा मैं पुराने फंक्शन का इस्तेमाल कर देता हूँ, पुराना फंक्शन क्या, लॉग फंक्शन का इस्तेमाल कर देता हूँ। fx इज इक्वल टू, हमें डोमेन रेंज बतानी है, fx इज इक्वल टू फंक्शन है लॉग एट द बेस 10 सिग्नम x। अब इसका डोमेन और रेंज दोनों बतानी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डोमेन की बात करो बेटा, तो आप लॉग के बारे में भी कहूंगा, लॉग के बारे में हम कैसे समझेंगे वो हम यहां से देखेंगे कि देखिए सिग्नम कब डिफाइन होगा, सिग्नम तो हमेशा डिफाइन होगा, कोई भी एक्स रख लो सिग्नम उसका हमेशा आएगा, और जब सिग्नम की वैल्यू आएगी तो क्या क्या आएगी, प्लस वन माइनस वन और जीरो, लेकिन उस पर लॉग तो डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब देखो डोमेन की अगर मैं बात करूँ, डोमेन में हमें क्या देखना है कि ये तो फंक्शन हमेशा हमेशा डिफाइन होगा, लॉग डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये तो बुरा नहीं मानेगा किसी भी एक्स पर, बस सिग्नम एक्स
ये तो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन लॉग कब डिफाइन होगा, जब ये आइटम कैसे होगा पॉजिटिव होगा, मतलब सिग्नम की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब एक्सेलरेशन बड़ा होता है। आपको पता है सिग्नम की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब वन ही होती है, और वो कब होती है, जब एक्स जीरो से बड़ा होता है। तो डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, आंसर क्या हो गया, डोमेन उसका जीरो से इंफिनिटी। तो जीरो से इंफिनिटी इसका डोमेन हो गया इस फंक्शन। चलिए अब आगे बात करते हैं हम डोमेन, इसकी रेंज की बात करें तो रेंज भी बहुत आराम से क्लियर हो रही है बेटा। देखिए जब ये वैल्यूज, मैं रेंज का मतलब आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट तो डिपेंड करेगा कि इनपुट क्या रख रहे हैं, तो इनपुट क्या रख रहे हैं मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो इनपुट में हम इसकी वैल्यू खाली क्या रख सकते हैं, पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव रखेंगे तो सिग्नम क्या आएगा, पॉजिटिव का वन। तो बेटा एक्स जब जीरो से बढ़ा तो सिग्नम की वैल्यू बेसिक मैनिपुलेशन से हो रहा है कि देखिए जीरो से स्टार्ट किया, एक्स जीरो से बड़ा रखूंगा, सिग्नम की वैल्यू कैसी आएगी, सिग्नम की वैल्यू आएगी वन, और वन का लॉग कैसा होगा, हमेशा कोई भी बेस हो क्या आएगा, जीरो। तो रेंज क्या होगी इसकी, इस फंक्शन की रेंज होगी एलिमेंटल सेट जीरो, केवल जीरो का सेट जिसमें केवल जीरो आ रहा है। चलिए तो ये फंक्शन हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए अब सिग्नम फंक्शन के बाद सिग्नम का और एग्जांपल ले लेते हैं एक, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखिए, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लॉग और सिग्नम से रिलेटेड।